क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज 0.5। मतलब एक लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन कितना है 0.5 और ये कैसा है पॉजिटिव का, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इमेज। अब देखो मैग्निफिकेशन से आपको ये चीज बतानी है कि नेचर ऑफ लेंस, मतलब जो लेंस आपका है जिसका भी ये मैग्निफिकेशन आपको गिवन है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक है। और आपको इमेज का भी नेचर बताना है कि वो वर्चुअल है या फिर रियल है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम मैग्निफिकेशन की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैग्निफिकेशन जब आपका पॉजिटिव होता है तो आपका इमेज होता है वर्चुअल, और जब आपका एम नेगेटिव होता है तो आपका इमेज होता है रियल। तो हम इस पॉजिटिव साइन से ये तो पता लगा सकते हैं कि जो अपना इमेज है वो कैसा है वर्चुअल, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज हमारा कौन सा लेंस बनाता है, कौन सा स्फेरिकल लेंस बनाता है। आपके पास बेसिकली दो लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स में हमेशा रियल इमेज बनती है, खाली एक केस ऐसा है जब आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो केस कौन सा है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा हुआ हो, ठीक है। जब कभी भी रे ऐसे जाती है तो ये फोकस से पास हो जाती है, ठीक है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और ये कुछ इमेज आपका पीछे की तरफ बन जाती है, ठीक है, ये आपकी इमेज है, ठीक है। और कॉनकेव स्फेरिकल लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो वो हमेशा वर्चुअली बनाता है, तो ये तो पक्का है ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा। और इसका खाली एक केस है कॉन्वेक्स का, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा हो तभी आपका बनाता था वर्चुअल इमेज। अब हम कैसे पता लगाएं, तो इन दो चीजों के लिए एक प्रॉपर्टी और है, जब कभी भी आपका एम वन से बड़ा हो, तो इमेज जो आपकी होती है इमेज होती है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है जब कभी भी आपका एम वन से बड़ा हो। तो यहां पर देखते हैं इस वाले केस में, कॉन्वेक्स के केस में देखो ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना सा है, वर्चुअल इमेज बनती है मैग्निफाइड, तो इसका मतलब ये जो एम बड़े वाला सीन है ना वो ये वाला है, ठीक है। और अब आ जाओ असली की वैल्यू में जो आपको गिवन है, इसमें क्या ये वैल्यू वन से बड़ी है, नहीं ये आपकी वन से छोटी है, ठीक है। और जब कभी भी आपकी इमेज मैग्निफिकेशन वन से छोटा हो तो आपका जो इमेज होता है वो कैसा बनता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट वाला केस कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनती है, ठीक है। अगर आपको ये सब बातें थोड़ी सी और अच्छे से समझनी है तो मेरा साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देखना, ये क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन।